दिल्ली एक्सप्रेस न्यूज के साथ। आप देखिए यहाँ पर जो है ये जो प्रदर्शन किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इस वक्त जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कहीं ना कहीं जो दर्जा दिया है बकरवाल कम्युनिटी को अलग अलग, कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पर भुजनगर फ्लाईओवर पर इस वक्त भेड़ बकरिये लेकर जो लोग हैं, जो छात्र है वो सड़कों पर उतर चुके हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त पुलिस बल जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए कहीं ना कहीं जोरदार जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर हो रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ। कहीं ना कहीं ये जो दृश्य आप लाइव देख रहे हैं यहाँ से, और यहाँ पर आज देखिए पहले भी कुछ ना कुछ एक रैली यहाँ से निकाली गई थी इस बिल के खिलाफ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मैं आपको दूसरी तरफ के दृश्य बताऊंगा। देखिए इस तरह से जो लड़के यहाँ पर लीड कर रहे थे, और इस तरह से ये जो प्रदर्शन गुर्जर नगर इलाके में ये जो प्रदर्शन आपको मिल रहा है, इस वक्त सड़कें जो है, रोड जो है वो इस वक्त बंद कर दिया गया है। और दूसरी तरफ आप देखिए यहाँ पर जो हालात कहीं ना कहीं बने हुए हैं, यहाँ जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार यूथ है वो इस वक्त सड़कों पर है। आखिरकार ये मैंने पहले भी आपको बताया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस लाया जिसको पास कर दी गया, लेकिन जो बेरोजगार यूथ है वो कहीं ना कहीं सड़कों पर है। ये कुछ लोग हैं, इनसे मैं जानने की जो कोशिश है, आप यहाँ आए मेरे पास, मुझे अपना नाम बता दें। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है सर। आसिफ साहब आखिरकार क्यों आए सड़कों? सर हमारा जो ST स्टेटस था उसको डाइल्यूट किया गया, अपर एलीट क्लास को उसमें इंक्लूड किया गया। हमारा यही विरोध है कि अगर आप ब्राह्मण तक को ST में ला रहे हो, छोड़ा किसको आपने? आपने पहाड़ी स्पीकिंग पीपल से पहाड़ी एथनिक ग्रुप कर दिया, ठीक है। और मुझे ये बताएं, पहाड़ी एक बहुत बड़ी टर्म है सर, J&K टोटल पहाड़ों में नहीं बसता है, या सिर्फ पुंछ और रजौरिया, दो तीन और डिस्ट्रिक्ट हैं वही पहाड़ है। मुझे इतना बस पे बता, बहुत से ऐसी जगह है जो दक्षिण मड़वा, बहुत से ऐसे इलाके हैं वही जो तो, को पीछे कर दिया सर। इन्होंने ये पहाड़ी एथनिक ग्रुप लिख के एक इतना बड़ा क्योस क्रिएट कर दिया है कि जिसकी कोई हद नहीं। इनको इस चीज का पता नहीं है, कल बनी के बंदे भी डिमांड करेंगे, कल रामबन के बंदे भी डिमांड। इनको एक आग लगानी थी जो इन्होंने लगा दी बिल पास करके। आप पता नहीं, देखिए आप किसी भी फ्रंट पे देख लें, चाहे मणिपुर है, चाहे हर जगह ट्राइबल्स को सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है। मुझे समझ नहीं आता, अरे भाई हम पीसफुल कम्युनिटी थे, आज तक आपने सुना कभी गुजर बकरवाल कभी सड़कों पे आए? नहीं। इवन जो हमारे जो लोग हैं ना, जो सही जो बेचारे जिनके भेड़ बकरी मवेशी, अरे वो पहाड़ों में, उन बेचारों को ये तक पता नहीं है उनके स्टेटस के साथ क्या छेड़खानी है। चीज पूछूंगा आपको, यहाँ पर कोई चुनिंदा सरकार नहीं है, ये फैसला चुनिंदा सरकार को छोड़ना चाहिए था सर। जो जितने भी रिप्रेजेंटेटिव, सो कॉल्ड गुजर रिप्रेजेंटेटिव थे, वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए कोई भी बाहर नहीं निकला। क्यों? उनको लगता है कि हमारे वोट किस, अरे भाई जो आप सच के साथ खड़े हो ना, जो मुझे बताएं, एक ST स्टेटस देने के लिए कोई क्राइटेरिया होता है, सर्टन पैरामीटर्स होते हैं, डिस्टिंक्ट कल्चर होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए, हर तरीके से सोशली आइसोलेटेड होना चाहिए। क्या हमारी आज भी सोसाइटी में जो गुजर बकरवाल है उसको गारत की नजर से नहीं देखा जाता कि ये यूशो गुजर, ये गुजर है? अरे सोशली आइसोलेटेड ग्रुप है, तभी उनको सोशली अपलिफ्ट करने के लिए कैटेगरीज है। कोई किसी को खैरात में पॉलिटिकल रिजर्वेशन देने के लिए कैटेगरीज नहीं है। लेकिन मुझे समझ नहीं आती इनको ये सब खेड़ा करने की क्या जरूरत है। पहले इन्होंने
नौकरियां इतनी खत्म कर दी है। आप JKSSB को ले लें, पिछले 4-5-6 महीने से कोई रिक्रूटमेंट नहीं हुई। अरे भाई कहाँ कहाँ आप लोगों को इन्होंने मुझे लगता है लोगों को परेशान करने का ठेका ले रखा है। कोई ना कोई इनको इश्यू क्रिएट करना है और इसके बाद इलेक्शन करवाएंगे क्योंकि और मुझे पता है ऐसा नहीं लग रहा इलेक्शन स्टंट है, 24 से पहले ये काम किया गया। बिल्कुल सर, एक अंधे को भी जो समझ आती है ना, अंधा भी देख सकता है कि नहीं इससे पहले ये क्यों नहीं हुआ। 1991 में शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया गया गुजर बकरवाल को, उस टाइम पे कहाँ थे? अरे भाई कहीं ना कहीं। इवन मुझे एक चीज बताएं, PSP था पहले कोटा, सबको पता होगा जो सुनने वाले उनको, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल जो पहाड़ी लैंग्वेज बोल, अरे आप लैंग्वेज के बेसिस में किसी को कोटा दे रहे हो। कल जो डोगरी बोलता है डोगरी, अरे लैंग्वेज कभी भी किसी भी आरक्षण का बेस नहीं हो सकता। मुझे एक चीज आपसे भी समझ नहीं है, ये चीज अगर आपके कोटे से काट के इनको दिए कि क्लियर सर, जो अमित शाह साहब ने कहा ना, वो जब आए थे इधर इनकी रिसेंट रैलीज हुई थी, उन्होंने ये कहा आपका 1% भी नहीं हिलाया जाएगा ना उठाया जाएगा, कुछ ऐसी वर्ड यूज। लेकिन आप मुझे बताएं किस स्टेट में कोटा विद इन कोटा का प्रोविजन है कहीं पे? अब यहाँ तो स्टेट ही नहीं है। हाँ यूटी तो है, हाँ वो भी आई नहीं है। यहाँ पे विडम्बना तो ये है कि है भी यूटी है, और जो इनका चाहता है सरवन चाहता है ना, वो काला कानून लेके आते। मुझे 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 एक ही चीज थोड़ा पीछे आ जाए, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही, अगर यहाँ यूटी है इलेक्शन करवानी चाहिए, इलेक्शन के बाद जो चुनिंदा नुमाइंदे आते हैं उनके ऊपर ये चीज छोड़ देनी चाहिए ना। सर इनको पता है कि जो चुनिंदा नुमाइंदे हैं वो कहीं ना कहीं लोग उनके ऊपर पूछने मांगने वाले होंगे, इनको डर लग रहा है कि हमारे लोग आएंगे नहीं। वो तो ये सारी की सारी साजिश है सर, क्योंकि आपको पता है जो भी भाजपा बात करती है ना, हमारा CM चाहिए, वो उनकी सारी की सारी गेम अटकी है पुंछर चौधरी पे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में पॉलिटिक्स होती है क्रिमिनल एंगल पे, रिलीजन की बात होती है। जहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ चली जाएगी, जहाँ पे दूसरी कम्युनिटी है वो बीजेपी। इनको ये पता है कि मुस्लिम वोट्स इनको वहाँ नहीं मिले, हाँ कहीं ना कहीं हम आरक्षण का एंगल ले आते हैं। एक तरफ मणिपुर का मसला, वहाँ पे कुछ नहीं किया, लेकिन यहाँ पर मणिपुर की सर जिनके साथ हमारी बहने हैं, हम ट्राइबल्स हैं, हमारा इक्वल दर्द, और ये JNK के ट्राइबल को नुकसान नहीं है, ऑल ओवर इंडिया के ट्राइबल्स का जो स्टेटस है उसमें 15-20 लाख लोग और आएंगे। अरे भाई कहाँ का कम्पीट करोगे? मुझे ये बताओ डेवलपमेंट हो रही है या लोग पीछे जा रहे हैं? होना तो ये चाहिए कि जो ट्राइबल है उनको ट्राइबल से बाहर निकालो, क्योंकि सोशली अपलिफ्ट हो गए। अरे आप इंक्लूड कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कोई मतलब कोई ऐसी और दुनिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो आज खुशियां मना रहे थे इस बिल को लेकर। सर वो खुशियां क्यों नहीं मनाएंगे, उनकी कम्युनिटी खुद इसमें ऐड हुई है। मुझे यही चीज बताएं, जो इसमें कम्युनिटी ऐड हुई है, जो GD शर्मा कमीशन है, आयरनी तो ये देखे सर, मुझे एक चीज पूछनी आपसे, मैं GD शर्मा के ऊपर आऊंगा, GD शर्मा ये कौन है? GD शर्मा सर हमारे रिटायर्ड जस्टिस रहे हैं, और उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी है द प्लाइट ऑफ कश्मीर, मैंने, और उसमें जो मैं देखें किसी पे पर्सनल बात नहीं करूंगा, वो हमारे मानने हैं, आखिर उन्होंने हाई कोर्ट में भी वो जज रहे हैं, मैं उन पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, व्यक्ति गौर पे टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन आप जो GD शर्मा कमीशन जो गठन हुआ ना, उसमें 3 मेंबर्स कमेटी हुए, एक मुनीर खान थे, एक मैं शायद नाम भूल रहा हूँ, एक और थे, एक लेडीज थी। मैं एक चीज बताता हूँ यार, उसमें ना SC कम्युनिटी का बंदा, ना ST का, कोई पढ़ा लिखा नहीं है। अरे ST को छोड़े, आपने SC समाज तक का जो स्टेटस है उसको डिल्यूट कर रहे हो। जो ये लोग हमारे उपराज्यपाल के साथ या होम मिनिस्टर के साथ एक दिन पहले मीटिंग होती है, वो कौन लोग मिले हैं? सर वो चंद लोग आपको पता है, कुछ वो मीर जाफर होते हैं, हिस्ट्री भी हमारी रही है ना मीर जाफर वाली, कुछ मीर जाफर होते हैं जिनको पता है हमें पॉलिटिकल बेनिफिट्स चाहिए, कुछ चंद लोग हैं BJP ज्वाइन किए हुए, वो जैसे इन्होंने हमारे गुलाम अली खटाना साहब यहाँ से नॉमिनेट किए। अरे सर जब इंसान को कोई जिम्मेदारी, मजबूरी है सर, गुलाम अली खटाना साहब की मजबूरी उठ सकता सर। सिमिलरली जो और भी कुछ लोग जिन्होंने BJP ज्वाइन की हुई है, मजबूरी है उनकी, उनको सच दिखता है कि गलत बोल नहीं पा रहे, बोलेंगे कैसे सर? बोलता तो वो है ना जिसके अंदर जमी, हमारे सो कॉल जो गुजर लीडर्स है सर जोरी में जीते, उनकी हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि हमको लगता है हमारे पहाड़ी जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा कहीं ना कहीं। देखिए ये एक चीज मैं पूछूंगा, ये जो सारा सिस्टम किया है, ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह की पड़ती है ना, ये डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर साहब तो सर वैसे भी गायब है, मैं कठुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ सर, कठुआ में पुल टूटा हुआ इतने दिन हो गए, आपने देखा जितेंद्र साहब का एक ट्वीट आया नहीं?
नहीं आया, क्यों आएगा? क्योंकि उसमें किरकिरी होती है। हाँ, कोई ब्रिज बन जाए, हमारे उधर क्या एक ब्रिज बना था छोटा सा। मैं एक चीज पूछूंगा, कठुआ की आपने बात की है, अगर कठुआ का पुल टूटा हुआ है तो यहाँ पर जो टोल टैक्स लिया जा रहा है वो तो बैन होना चाहिए ना, क्योंकि कहते हैं जब तक रोड कंप्लीट ना हो तो टैक्स नहीं लेना चाहिए। सर, इनको इन्होंने लूट खसूट का जो भी इनको मौका मिलता है ना वो कभी नहीं छोड़ते। आप अब मैं जेकेएसएसबी पे आऊंगा, पिछले 8-9 महीने से, एक साल से रिक्रूटमेंट पेंडिंग है, राज्यसभा में इनसे जवाब पूछा जाता है, ये कहते हैं ये 30,000 हमने नौकरी, अरे भाई किसको दिया आपने? वो ऐसे लोग कौन है? 30,000 बोली, लेकिन यहाँ के उपराज्यपाल 28,000 बोल रहे हैं। यहाँ से जाते जाते दिल्ली तक 30 हो गई। हाँ, मैं पढ़ रहा था वहाँ 30,000 हो गई राज्यपाल की 28,000। अरे मुझे यहाँ पे ना लोगों को समझना चाहिए, यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कोई नहीं है। यहाँ पे जो भी बिल्स ऑर्डिनेंसेस पास किए जा रहे हैं ये कहीं ना कहीं अपनी एस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करने के लिए, सब लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक होने की जरूरत है। हमारे कठुआ में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में कहीं ना कहीं गद्दी सिपी लोग भी, उनको भी बाहर आना चाहिए, क्योंकि ये हमारा गुजर बकरवाल का अकेला मामला नहीं है। मैक्सिमम लोगों को ये चीज समझ नहीं आई है। सर, ये जो भी चीज करते हैं ना उसमें कानों कान खबर नहीं होती देते, हमें बहुत एक शर्मिंदगी से कहना पड़ता है। हमारे जम्मू में कुछ चंद जो मोदी चैनल भी आ गए सर, हमारे आप जैसे कुछ चंद जो ईमानदार पत्रकार बचे हैं ना, उन्हीं की वजह से ये कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट खबर है। कुछ लोग ऐसे हैं कड़ाका निकालने वाले, आपने वीडियो देखी होगी, कड़ाका करना कहीं ना कहीं एक कम्युनिटी को इंस्टिगेट करने की कोशिश है। कड़ाका निकालने वाले कल पत्रकार वार्ता कर रहे थे, लेकिन पत्रकार वार्ता में नहीं आए वो उनका मुझे लग रहा है निकल चुका है पत्रकार। मैं वही तो कहता हूँ ना सर, वो सब जानते हैं कि उनको जो ऑल ओवर जो डोगरा कम्युनिटी है, जो भी है जम्मू में, कोई उनको लाइक नहीं करता, लेकिन उनको पता है जहाँ जहाँ हमें लोगों को इंस्टिगेट करना है उनको कम्युनल रंगों भी दे दीजिए। कम्युनल न्यूज करनी हो ना उन्हें, कहीं पे कोई पकड़ा जाता है होटल पे वो बताएंगे, हाँ वो पकड़ा गया। आपको जो मुद्दे हैं ऑन ग्राउंड पे, अरे कहीं ना कहीं एक दबी हुई कुचली को आप नहीं देखते गुजर बकरवाल की क्या हालात है सर? कहीं ना कहीं सोशली आइसोलेटेड नहीं है, इससे गई गुजरी कौम कौन है? आपको क्या लग रहा है जो ये इन्होंने किया है ये सीधा सीधा 24 की इलेक्शन से पहले वोट बैंक पॉलिटिक्स है? सर, वो अपना दम लगाए, हम भी अपना दम लगाएंगे। इनको लगता है ना कि गुजर जिनको गुजर बकरवाल का जो वोट है ये बोले वाले लोग हैं, नहीं, हम हर डिस्ट्रिक्ट में अपने लोगों को एजुकेट करेंगे। और ये जो आपको ये छोटा सा प्रोटेस्ट दिख रहा है ना, ये ऑल ओवर इंडिया फैलेगा, ट्राइब सिर्फ जेएंडके में नहीं है, हम ऑल ओवर इंडिया में जितने भी हमारी ट्राइब संवाद होती है हम उनसे बात करेंगे। ऑल इंडिया गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट भी है, गुजर यूथ है, गुजर फोरम है, हम हर जगह बात उठाएं। इनको क्या लगता है ये हमसे ऐसे खेल लेंगे? अरे नहीं, हम जान देने के लिए तैयार है भाई। हमें मुझे बताएं, अगर हमारे पास जो एक प्रोटेक्टिव कवर था, कहीं ना कहीं हम लोगों को लगता था कि नहीं भाई हम इतने। इंद्रेश कुमार जी भी कुछ बोल रहे थे गुजर चैरिटेबल ट्रस्ट में आकर, आपको क्या लगा है इंद्रेश जी क्या बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे आई है, उनको कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ जो उनको बनाया गया है, आपको क्या लग रहा है वो क्या बोल? सर, मैं इंद्रेश कुमार को पर्सनली तो नहीं जानता, लेकिन जो भी से बिलोंग करते हैं सर, मैं आपसे बात करता हूँ, जो जीडी शर्मा सर है ना, आप सबके रूट्स निकाले। मुझे आज भी याद आता है मोहन भागवत साहब ने एक टिप्पणी की थी, उन्होंने कहा था हम आरक्षण का इंडिया में वो हाल कर देंगे जो आरक्षण लेने वाले हैं ना वो खुद कहेंगे हमें निकालो बाहर, हमें नहीं चाहिए। ये बातें थी, ये कहीं ना कहीं अपनी एस्टेब्लिशमेंट का, अरे SC ST OBC कम्युनिटी को नहीं पता है उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं सोशली कल्चरली एजुकेशनली बैकवर्ड लोग हैं, हमें अपने काम से लेना देना होता है। सर, आपको भी वीक कर रहे हैं ना ये, मुझे बताएं छोड़ा क्या है। आप, मैं स्टेट्स पे बात करूंगा, आप रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग देखिए 2011 का जो सेंसस है उसमें जो गुजर बकरवाल कम्युनिटी है वो 51% जो है कम्युनिटी पढ़ी लिखी थी, ठीक है, और जो ये सो कॉल्ड जो आज इन्होंने इंक्लूड किए ना इसमें 61% पढ़े लिखे लोग, ये कहा जा रहा है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि 1 मिलियन जो लोग हैं उनको इनडायरेक्टली फायदा मिलेगा, इनडायरेक्टली वो इंडक्टली पता कैसे मिलेगा? मैं बताता हूँ लोगों को, ये सीसम आपने उसमें पहाड़ी स्पीकिंग की जगह पहाड़ी एथनिक ग्रुप कर दिया, पहाड़ी बहुत बड़ी टर्म है, उसमें आप 10 मिलियन किया, आप 50 मिलियन जितनी जेएनके के बाद दिए ना सबको इंक्लूड कर दें, कौन रोक रहा है आपको? पहाड़ी आप भी पहाड़ी हैं, मैं भी, मतलब मेरे जितने भी मोहल्ले कौन पहाड़ी नहीं है? कठुआ में बनी बसोली बनी
बनी आप शायद गए होंगे, इतनी हिली डिस्ट्रिक्ट है ना सर, वहाँ पे आप चले जाए अपना जो सरसल इलाका है, आज भी वहाँ पे लोग इतने पसमानदा है, क्या वो पहाड़ी नहीं है? रामबन में चले जाए वो पहाड़ी नहीं है? आपको डोडा की पहाड़ी नहीं दिखते? डोडा जिससे डोडा भद्रवा, ये तो पहाड़ी क्यों है? ये पहाड़ी पता क्यों नहीं है? मैं बताता हूँ, ये पहाड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ से बीजेपी की सीटें मिलती हैं, लोग बेवकूफ है वहाँ के, देते हैं इनको सीटें तो उनको क्यों देंगे जरा? हाँ, जहाँ पे इनको लगता था हमारा पेच अटकेगा, इनको पता है पुनचरजोरी में, यानी कि अपना अपना रास्ता क्लियर किया, साफ साफ दिखता है सर। आप, मैं पूरी रिसर्च करके बोल रहा हूँ सर, ये कोई मैं को मनगढ़, आप जिसको लगता है ना कि मैं चीजें अपने से बना, भाई आप चेक करें, क्रॉस चेक करें, आप अगर आपको ये चीजें लगती हैं क्रॉस चेक करें। नहीं, अब तो यूथ पढ़ा लिखा, आप भी पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर पढ़ा लिखा यूथ, मैं यही कह रहा हूँ, मैंने आपसे पहले भी शायद ये बोला कि हमारे जो बिल्कुल ही एक जो बैकवर्ड लोग है ना, आज भी हम पहाड़ों में ढोकों में उधर, ठीक है, उन ढोकों में, उनको बेचारों को पता ही नहीं है कि हमारे साथ क्या हुआ है, वो अपने माल भविष्य लेके आएंगे ना, उनको लगेगा मारो लड़को आज तक पड़े हुई नहीं, पता नहीं सर नौकरी क्यों नहीं मिलती, क्यों नहीं? अरे उनको नहीं पता कि उनका जो हक उनको पहले मिलता था, अरे पहले भी आप आज ही सेंसस करा लें, कितने गुजर बकरवाल पढ़े लिखे हैं, अरे चंद डीसी बन गया दो चार, और कौन 370 के बाद ज्यादा नुकसान हो रहा है सर। मैं चेतावनी देता हूँ सरकार को कि इसको लाइटली ना ले, नुकसान आज किसको नहीं हो रहा, आप मुझे बता दें किस फ्रंट पे ये मतलब इन्होंने कोई लोगों का भला किया? मैं JKSSB के एग्जाम से लेके जॉब अपॉर्चुनिटीज को लेके कोई भी मुद्दा उठा ले, मुझे कोई भी मुद्दा बता दें जिसमें लोग इनसे खुश हों। लेकिन आए दिन एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, गवर्नर साहब ने कहा 28,000 नौकरी दी, पार्लियामेंट में कहा 30,000 नौकरी दी, लेकिन ये आंकड़ा नहीं बताया यहाँ पर कैंसिल कितनी, 28,000 कैंसिल हुई होगी, वो आंकड़ा नहीं दे रहे। एक्चुअली सर पता क्या है इनको, इनको पता है अभी पार्लियामेंट में भी इन्होंने लाया था कि हम मणिपुर पर चर्चा करेंगे, भागते हैं सर चर्चा करने से, इनको पता है अपोजिशन भी बीके, अपोजिशन ने लो मोशन भी लाया था, चर्चा नहीं। हाँ भाई, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, वो भी ये नहीं, उसमें भी इनको पता है ये सर चर्चा करने से डरते हैं, इनको लगता है कहीं ना कहीं लोगों में, लोगों को पता चल जाए, पोल खुल जाए, और क्या है सर, यानी कि बहुत कुछ है इस बिल में, ये कहीं ना कहीं लोगों को समझ नहीं आ रही है, समझाने की जरूरत है, समझाने की। और हमने ये इनिशिएटिव उठाएंगे सर, हम ये चुप नहीं बैठेंगे, इनको क्या लगता है कि हमने पहले सोचा कि नहीं सरकार हमारे बारे में सोचेगी? 20 लोग हैं साहब, हमें इन सब लफड़ों से कोई लेना देना नहीं, हमें जिंदाबाद मुर्दाबाद से कोई लेना देना, हमें पढ़ने से वास्ता है, हम सोशली अपलिफ्ट होना चाहते हैं, हमें अपने माल भविष्यों से वास्ता है हमें, लेकिन ये लोग चाहते हैं कहीं ना कहीं कि ये तो आज तक बोले ही नहीं है, ये क्या कर ले? नहीं, हम अपने लोगों को एजुकेट करेंगे। हाँ, समझाना मुश्किल होगा क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इससे कठुआ है सर, वहां पे गुजर बकरवाल घोषणा है, वहां पे आप हैरान हो जाएंगे, वहां पे कोई ना कोई गुजर बकरवाल कम्युनिटी का ही आपको लेक्चरर पोस्ट का बंदा चाहिए होता है, वार्डन पोस्ट का, आप हैरान हो जाएंगे, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज तक एक भी लेक्चरर नहीं बना हुआ है, आप क्या बात करते हैं कि तो ये सारी चीजें सरकार को दिख नहीं रही थी सर, दिखेगी पता क्यों नहीं, क्योंकि आप सड़कों पे नहीं आते, हम आज सड़कों पे आए दिख रहा है, आज आप हमें कवर कर रहे हैं, अब दिखेगा, अभी दिखेगा, हाँ दिखाएंगे, अब कोशिश करेंगे दिखाने की, जो हमें भाई आप अंदर डालो कोई मसला नहीं, अरे आपने हमारा छोड़ा ही क्या, आप 10 से 12 लाख हमारी टोटल पॉपुलेशन, 15 से 18 लाख और ले आओगे, हम कहाँ से कम्पीट कर पाएंगे, आप इससे यार अच्छे नहीं खत्म करते भाई, कम से कम ये तो नहीं ना होगा कि यार हमारे पास कोटा भी है फिर भी हम नहीं कम्पीट कर पा रहे, यानी कि जो उन्होंने RSS के अध्यक्ष ने बोला था वो पूरा होगा सर, ये पहले बाकी स्टेट्स में चल रहा था, कहीं ना कहीं वही एस्टेब्लिशमेंट यहाँ लाना चाहते हैं, क्यों? और मेरी अपोजिशन पार्टी से भी आह्वान है तो भाई आप क्यों डरते हो? हाँ, याद रखना, जो सो कॉल्ड कांग्रेस, सो कॉल्ड NC, सो कॉल्ड PDP, सो कॉल्ड अदर पार्टीज, जिनको लगता है ना नहीं गुजर बकरवाल वोट है, हम एक भाषण देंगे, एक पग पहन लेंगे, हमें वोट मिले, हाँ देंगे, इस बार आना, लोगों के बीच में आना, नहीं जूते मार के भगाया तो हमारा नाम चेंज करना, ये इतिहास रहा है सर, जब चाहे अंग्रेजों ने कुकी रिवॉल्ट्स हुई, जो भी जितनी भी ट्राइबल रिवॉल्ट्स हुई, हमारा इंडिपेंडेंस में भी बहुत रोल रहा है, और जब भी इन्होंने ट्राइबल्स को छेड़ा है ना, मुक्की खानी पड़ी है, और ये खाएंगे सर, हम लोग हैं देशभक्त लोग हैं सर, हमें किसी सेपरेटिज्म, हमें किसी सेशनिस्ट ग्रुप से कोई लेना देना कोई मतलब नहीं, हम पीसफुल लोग हैं सर, हमें इन सब चीजों से नहीं, मजबूर किया जा रहा है सर, आप खुद ही देखें, आपने कवरेज की होगी, आपने कभी सुना गुजर बकरवाल कम्युनिटी कहीं प्रदर्शन करने आई? पुलिस तंत्र भी यहाँ बड़ा लगाया गया है क्या? जब
बीजेपी को लगता है कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट गिरेगी हिलेगी, हम तो राजभवन का घिराव करने चले थे, इन्होंने जब जब इनको लगता है पहले एक रैली निकाली गई थी राजभवन के लिए लेकिन पहुंची नहीं, वो इन्होंने फाइल कर दी वो रोक, क्योंकि सर कहीं ना मीर जाफर हरकुम इनको पहले ही पता चल जाता है, इनको इस चीज का पता नहीं चलता कि हम लोगों में कितना रोष है, हम लोगों का क्या सोशली इकोनॉमिकली क्या शोषण हो रहा है। पर हाल देख लीजिए कहीं ना कहीं यहाँ पर जो छात्र हैं, मैं छात्र ही बोलूंगा इनको क्योंकि केंद्र ने एक ऑर्डर तो कर दिया है लेकिन उस ऑर्डर को मानने के लिए इस वक्त स्टूडेंट जारी नहीं है, वो क्योंकि नहीं मान रहा, क्योंकि अगर इनको कुछ दिया जाता यानी कि इनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता तो बात अलग थी, लेकिन कुछ कॉन्फिडेंस में उनको लिया गया जो खुद ही इन्होंने इलेक्ट किए हैं, राज्यसभा में नॉमिनेट किए हैं, उन्हीं को लेंगे ना कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस में एक हक जो सच पे है बंदा क्यों लेंगे कॉन्फिडेंस में। लेकिन एक चीज ये जगह जगह बोलते हैं कि राज्यसभा में जो खिटाना साहब को इन्होंने लिया है, हाँ, ये बोलते हैं ये हर जगह ट्राइबल्स को दिखाती है, हाँ, अरे इन्होंने द्रौपदी मुर्मू साहब को भी लिया हुआ है, ठीक है, हाँ जी हमने प्रेसिडेंट बना दी, ये कहीं ना कहीं खोखली बातें हैं। आपने मणिपुर में देखा, मैं मणिपुर पे आऊंगा, नहीं आना चाहता, हमारी बहनें कहीं ना कहीं हमें दिल से दर्द होता है सर, एक इंडिया के लिए शेमफुल इवेंट हुआ, वो किरकिरी हुई यूएन में, हर जगह आप यूएस पार्लियामेंट में देख लें हर जगह, लेकिन इनको समझ नहीं है, ये पता नहीं किस किस फ्रंट में इंडिया को नीचा दिखाने, अरे आप कर क्या रहे हैं, मोदी जी तो अपने आपको ग्लोबल लीडर कहते हैं, आप कहाँ गए आपका ग्लोबल नेचर, वो आपका ग्लोबल नेचर सिर्फ लोगों, आप मुझे पता है जब भी इलेक्शन का इनको लगता है, क्योंकि यहाँ के स्टेट इलेक्शन कमीशन है, शायद अभी इलेक्शन अनाउंस करने की बात चल रही है, अनाउंस करेंगे, इनको पता है इलेक्शन का मुद्दा है, कोई ना कोई इनको क्रिमिनल चीजें करनी है और कहीं ना कहीं बस वही मजहबी रंग देना इनको, मजहबी रंग के बीच में ही इलेक्शन। मणिपुर में क्या करवाया इन्होंने, मणिपुर में जो इन्होंने दो ट्राइब्स लड़ाई है मीथी और जो भी जो दूसरी कम्युनिटी है, वो किस वजह से, इसी वजह से कि ये सब सर कहीं ना कहीं एक आरएसएस आइडियोलॉजी जो है ना उसको बढ़ाया जा रहा है, लोगों को ये समझने की जरूरत है, और आरएसएस किसी के हक में नहीं, ना मेरे मुस्लिम भाई के ना हिंदू भाई के, वो लोग हैं जिन्होंने इंडिपेंडेंस के टाइम पे भी जो होते ना मीर जाफर का रोल अदा किया, और वो आज भी वही लोग खोखला कर रहे हैं, सर हमारा देश सेकुलर देश है, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका देश है, यहाँ पे कोई किसी का एक का देश नहीं, सब देश की बात की, और ये जो बोल रहे थे सबका साथ सबका विकास, ये क्या था फिर? सबका साथ सबका विकास और सबका एक साथ सत्यानाश है, जो मैं उसमें जो इनका स्लोगन है ना उसमें एक चीज और ऐड करता हूँ, सबका साथ सबका विकास और सबका सत्यानाश, मुझे किसी भी एंगल से बता दें आप कौन से कहां इन्होंने विकास किया, ये तो 9 साल भी करा रहे हैं सर, मैं फिर आऊंगा, इस बारिश में कितने ब्रिज गिर गए, आता है कहीं पे काम चल रहा है, मैं फिर अपने कठुआ की बात करूंगा, वहां पे लोग वो पुरानी जिंदगी जी रहे हैं गौड़ों वाली, वो भाया मढ़ीन से होके जाना पड़ रहा है, जहां जहां पे किसी भी एंगल से आप देख लें हर फ्रंट पे सरकार कहीं ना कहीं नाकाम रही है, सरकार को मैं कहता हूँ काम करने का तरीका होता है ना, अरे भाई अपोजिशन जो थी ना 70 साल, मैं नहीं कहता वो दूध के दुले थे, बहुत करप्शन की उन्होंने, लेकिन कम से कम इतनी तबाही तो नहीं करके गए थे, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, इतनी जितनी आप तबाही करके जा रहे हो ना, इनके 10 साल इन्होंने सही कहा था कि उनके 70 साल और हमारे 10 साल इक्वल, हाँ तबाही उनके 70 साल और आपके 10 साल बराबर, इन्होंने कहा था ना अभी ये इनिशिएटिव चलाया था 9 साल बेमिसाल, हाँ बेमिसाल है, देखें आप ये बेमिसाल का ही तो एक आपको नमूना दिख रहा है। बहरहाल देखिए कहीं ना कहीं इस वक्त जो युवा वर्ग है वो सड़कों पर है, परेशान है, परेशान इसलिए क्योंकि जो केंद्र ने बिल लाया है, जो बिल को पारित किया जा रहा है, उसके बाद ये युवा वर्ग जो है वो सड़कों पर है, और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ के मैं आपको दृश्य बताने की जो कोशिश है वो करूंगा, यहाँ इस वक्त यूथ जो है वो बैठा हुआ है सड़कों पर है, और एक तरफा यहाँ पर पुलिस कहीं ना कहीं खड़ी है, और ये यूथ जो बिल आया है उसके कहीं ना कहीं खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहा है, और कोशिश की जा रही है इस यूथ को यहाँ से उठाने की, गुर्जर नगर ब्रिज के ये दृश्य आपको दिख रहे हैं, और कहीं ना कहीं इन युवा जो वर्ग है इसको यहाँ से हटाने की जो कोशिश है वो पुलिस द्वारा की जाएगी। अब देखिए यहाँ पर जो यूथ है कहीं ना कहीं सड़कों पर है, और इस तरह से आप देख लीजिए ये गुर्जर नगर ब्रिज के दृश्य हैं, एक तरफ
जो ब्रिज है वो इस वक्त कहीं ना कहीं बंद पड़ा हुआ है, और ये सभी के सभी जो युवा वर्ग लोग हैं वो सड़कों पर है आखिरकार अपनी बात मनवाने के लिए। और इनका ये कहना था कि अगर आपको ये बिल पारित ही करना था तो कम से कम जो लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस में जो था वो लेना चाहिए था, पर हाल पार्लियामेंट में ये बिल पारित कर दिया गया है और इस बिल के खिलाफ जो युवा वर्ग है वो जोरदार जो प्रदर्शन है वो यहाँ कर रहा है। ये वीडियो आपको किस तरह लगी, कैसे लगी, अपनी राय जो है वो जरूर रखिएगा। नमस्कार।